हम लोग किस प्रकार से गड्ढा कर रहे हैं और किस प्रकार से डंडा गाड़ रहे हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग कितना मेहनत से जो है ऐसा इसको गड्ढा कर रहे हैं। ये वाला पर्दा लगाएंगे, ये वाला घेरा जो हम लोग बाजार से खरीद के लाए हैं, ठीक है, तो उधर से लगा रहे हैं भाई और पापा। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया है इसको लगाते लगाते। तो डंडा कौन लगाए ना, सबको साबर ला रहे हैं। हाँ नहीं, और इधर का आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है ना बड़े पापा लोगों का खेत है और ये हम लोगों का खेत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय जवान जय किसान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। लेकिन अभी मौसम की वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का सर्दी हो गया है, खैर कोई बात नहीं। तो आज जो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों खेत, और क्या हो गया कि वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या हो गया है। वैसे तो आप लोगों को बता दो दोस्तों कि वहाँ जो है अपने भैया लोगों का, अपने बड़ों लोगों का, अपने नाना लोगों का वहाँ पे, तो जो वहाँ पे सुअर पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, तो जितना भी सुअर मुर्गी है ना सब हम लोग के खेतों में चला जा रहा है। अभी जो हम लोग का धान बहुत अच्छा हुआ है, तो दोस्तों जितना भी बैल है, जितना भी धान बीजा है, वो सबको ना मुर्गी चुन चुन के खा दे रहा है। तो हम लोग जो है ना उसको छेका लगाने के लिए, घोरने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से उसको घोरना घोरेंगे, किस प्रकार से छेकेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है इस ब्लॉग में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए, अपनी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेसेट कर दीजिएगा। और आप लोगों के साइड दोस्तों बैल बकरियों से खेती बाड़ी नुकसान होता ही नहीं होता है, सुअरों से मुर्गियों से नुकसान होता है कि नहीं होता है कमेंट कीजिएगा। तो अब कैसे बोल सकते हैं, अब उनका भी जीव जानवर है, तो फिर उन लोग नहीं रख रहे हैं तो हम ही लोग को अपना खेतों को दोस्तों घेरा करना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए, मैं रेडी कर चुका हूं अपना गाड़ी दोस्तों। ठीक है, डंडा भी ले जा रहे हैं और एक घेरा, ठीक है, एक प्रकार का दोस्तों बाजार से हम खरीद के लाए हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं, कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अब कितना अच्छा धान भी हुआ आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सीधा चलते हैं वहाँ खेत में, मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों हम लोग खेत पहुँच चुके हैं फाइनली। ठीक है, हम लोग इमली छीना पेड़ के पास आ चुके हैं और इधर का सीन आप लोगों को दिखाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी जो समय हो रहा है 6:30 बज रहा है दोस्तों, और ठंडा हल्का हल्का है, धान भी बहुत अच्छा हुआ है। भाई भी आ चुका है, पापा भी आ चुका है, उतारते हैं अभी डंडा सब लेकर के आए हैं हम लोग। अब इसको कैसे हम लोग घोरना घोरेंगे आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। इधर पीछे में ही भैया लोगों का घर है, तो वहाँ से सुअर आ जाता है। अब जो जानवर है दोस्तों दिन भर तो नहीं उसको बांध सकते हैं, तो खोल देते हैं तो आ जाता है धान साइड, तो हम ही लोग घोरेंगे। और इधर का आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है ना बड़े पापा लोगों का खेत है और ये हम लोगों का खेत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखिए, बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन ये कल परसों का आंधी तूफान में जो जितना भी धान है लंबा लंबा था, सब धान सूख गया, सो गया है दोस्तों। और इनका जो है बड़े पापा लोगों का धान थोड़ा छोटा टाइप का है, तो ये मस्त सीधा सीधा है, हम लोगों का लंबा था सो गया है। इधर का बीच का तो सीधा है लेकिन उधर पूरा सो गया है। ठीक है, तो चलिए इधर आज का काम सुबह सुबह का कंटिन्यू करते हैं। अपना भाई जो है भारी मेहनत कर रहा है सुबह सुबह जोर लगा के, भैया बोले तो। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ से हम लोग घोरना घोरना शुरू करेंगे दोस्तों उधर किनारे तक। ठीक है, देखते हैं कितना लंबा तक हो पाएगा। यहाँ आगे से करेंगे, अच्छा यहाँ घासेंगे फिर उसको। चलिए करते हैं कंटिन्यू, गाड़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। देखिए वहाँ से गाड़ते गाड़ते अब यहाँ तक आ गए, भाई जो है दोस्तों डंडा से ही गाड़ दे रहा है और गाड़ते गाड़ते पसीना पसीना हो जा रहे हैं। ठीक है, सुबह तो ठंडा लग रहा था, मतलब थोड़ा देर पहले ठंडा लग रहा था, अभी काम कर रहे हैं ना तो गर्मी उठ रहा है, पसीने निकल रही है। नहीं निकल रहा, थोड़ी देर के बाद निकलेगा। और इसे गाड़ते गाड़ते वहाँ तक ले जाएंगे। मिट्टी टाइट हो गया दोस्तों, जिस दिन पानी गिरा उसी दिन अगर गड्ढा कोड़े रहते ना तो शायद आसानी से गड्ढा होते जाता, लेकिन कोड़ने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है और मेहनत भी लग रहा है। कोड़ते कोड़ते हाथ का हाल यहाँ तो लग गया। अगर टाइट हो जा रहा है तो छोड़ दो। हाँ तो दूसरा से भोंकने नहीं बनेगा ना। बात तो सही है। चलो तो दोस्तों हम लोग किस प्रकार से गड्ढा कर रहे हैं और किस प्रकार से डंडा गाड़ रहे हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग कितना मेहनत से जो है ऐसा इसको
गड्ढा कर रहे हैं ऐसे ऐसे, मिट्टी टाइट हो गया है जिसकी वजह से साबर भी थोड़ा सा फीका पड़ जा रहा है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा गड्ढा नहीं कर रहे हैं, हल्का हल्का करके इसको ना टाइट कर देंगे मिट्टी को, तो बन जाएगा। ये तो अटक गया, निकल नहीं रहा है। ऐसा गाड़ दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करते करते भी हो गया है। और दो तीन जगह करेंगे बस। हम लोग ये वाला खूंटा गाड़ चुके हैं, गाड़ लिया दोस्तों अच्छे से एकदम मजबूताई से, देखिए ठीक ना। तो अभी इसमें ये वाला पर्दा लगाएंगे, ये वाला घेरा जो हम लोग बाजार से खरीद के लाए हैं, ठीक ना। तो उधर से लगा रहे हैं भाई और पापा, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लगा रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो है वहाँ तक वो किनारे तक नहीं हो पाएगा, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों हम लोगों का देसी जुगाड़, हम लोगों के गांव में अधिकतर जो है दोस्तों साड़ी सबको घोरना घोर देते हैं। आप लोगों के साइड साड़ी का सब उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं घोरने में? तो हम लोग तो कर देते हैं। इधर देखते हैं कैसे कैसे घेर रहे हैं, काफ़ी लंबा तो है, एक बंडल पूरा लेके आए हुए थे। पड़ रहेगी मर रहे ना, चलो देखते हैं। लगा रहे हैं दोस्तों, और इस साइड हो चुका है आधा, और आधा इधर नहीं हुआ तो मैं घर गया था, तो इधर से साड़ी लेके आ गया दोस्तों। देखिए ठीक लग रहा है ना साड़ी, अभी बांधे नहीं है, वैसे ही तगा दिया हूँ, फिलहाल बांधेंगे। और आप लोगों को इस साइड चलिए धान दिखाता हूँ कितना अच्छा हुआ है हम लोगों का धान, लेकिन बरखा पानी में सो गया दोस्तों। इधर देखिए ना अच्छा धान हुआ है, और इधर ही धान भी कुछ अच्छा हुआ है, दूसरों का धान है दोस्तों नीचे साइड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अभी धूप भी आ गया हल्का हल्का, अच्छा धूप कर रहा है, पकते आ रहे हैं दोस्तों प्रे प्रे। अभी लगता है अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ में लगभग काटने लायक हो जाएगा। पानी हल्का हल्का है खेत में, धान देखिए दोस्तों धान अभी पका नहीं है, पकते आ रहा है, आधा पका है मतलब आधा कच्चा है सब धान। लगा के कंप्लीट कर लिए दोस्तों, देखिए ऐसा लग रहा है इधर ऐसा। अब पापा को पूछते हैं, अभी पापा पार तो नहीं होगा ना, सुअर बकरी मुर्गी, अब तो हम लोग का खेती सेफ रहेगा। ये छेदा में तो पार नहीं जाएगा, नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कम है ऊपर में है। तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया है इसको लगाते लगाते। तो डंडा कौन लगाए ना सबको, साबर ला रहा है, हाँ नहीं हुआ तो साड़ी को लेकर के आए, अब हो जाएगा लगता है। हाँ यहाँ पे छेदा है, कहीं पार ना हो जाए यहाँ से, व्यवस्था करना पड़ेगा दोस्तों। धान अच्छा है, धान का रखवाली नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हम ही को है, बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। अगर मुर्गी एक बार उतरा ना तो पूरा धान को सुला देगा, बीज को खा देगा, सुअर भी मुसला देगा। इधर सुअर सब है, हाँ सुअर तो आता है। तो आज का काम कंप्लीट हो चुका दोस्तों, आप लोगों को दिखाए कि हम लोग किस प्रकार से धान का रखवाली कर रहे हैं, धान को हम लोग बचा रहे हैं सुअर मुर्गी बैल बकरियों से। और इधर बड़े पापा लोग का है, इधर का तो पूरा बर्बाद कर दिया है दोस्तों, ठीक ना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दोस्तों घर, और उम्मीद करते हैं कि आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, हम लोग किस प्रकार से धान को हम लोग घेरे रखवाली किए वो आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिला दोस्तों। तो आज के जो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को पे सेट करते हुए जाएगा। अपना ख्याल रहेगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।